दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि आप ब्लॉगर पे फ्री वेबसाइट कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे अपनी खुद की वेबसाइट बनाएंगे, कैसे उस पर आर्टिकल लिखेंगे, कैसे उसका थीम जो टेम्पलेट वगैरह होता है कैसे आप चेंज करेंगे, कैसे फुटर क्रेडिट एडिट करना है, कैसे उसे कस्टमाइज सारी चीज़ें करना है, ए टू जेड स्टेप बाई स्टेप आप लोग को बताएंगे। बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित यादव, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मूव में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के आल पे क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोग को वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कैसे आप लोग को फ्री में वेबसाइट ब्लॉगर पर बनानी है। देखिए ब्लॉगर पे वेबसाइट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च क्या करना है, blogger.com। देखिए ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है blogger.com, ये आपको सर्च करना है। जैसे आप ये सर्च करेंगे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। देखिए ये इंटरफेस चेंज होता रहता है तो आपको इससे नहीं घबराना है। देखिए यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके आप अपने ईमेल आईडी से लॉग इन हो जाइएगा, जिस ईमेल आईडी से अपना ब्लॉगर की वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं। चलिए हम साइन इन पे क्लिक करते हैं। देखिए जैसे हम साइन इन पे क्लिक किए हैं, देखिए यहाँ सर्चिंग हो रहा है। यहाँ पे देखिए इंटर ईमेल और फ़ोन, तो सिंपल सा हम अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। देखिए हम ये टेम्परेरी एक ईमेल आईडी बना रखे हैं, हम ये आप लोग को बता रहे हैं। देखिए हम ये ईमेल आईडी डाल दिए, उसके बाद क्या करेंगे, पूरा ईमेल आईडी डाल लेते हैं, gmail.com लिख लेते हैं। उसका यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ इंटर पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, इंटर योर पासवर्ड, जो आपका पासवर्ड हो वो पासवर्ड आप डाल दीजिएगा। तो चलिए हम पासवर्ड डाल दे रहे हैं। देखिए हम पासवर्ड डाल लिए, आप क्या करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए हम जैसे इस पे क्लिक किए हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आया है। अब आपको देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो यहाँ आपको नहीं कुछ करना है। देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ब्लॉग का, सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए हो सकता है आपके पास जब आप अपना ब्लॉगर की ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन करें तो डायरेक्ट ये ऑप्शन वहीं पर आपको खुल के आ जाए, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर देखिए कह रहा है चूज नेम फॉर योर ब्लॉग, अपने ब्लॉग का क्या नाम रखना चाहते हैं। जैसे हम एजुकेशन हम केवल डाल दे रहे हैं, एजुकेशनल लिख दे रहे हैं, हमारा देखिए शिक्षा से रिलेटेड है तो हम एजुकेशनल लिख रहे हैं। आपका जूस से रिलेटेड हो, टेक से, तो टेक डाल दीजिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो चीज़ आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। अपने ब्लॉगर का नाम जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। अब क्या करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे एड्रेस डालने को कह रहा है। देखिए यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस का मतलब कि आपकी वेबसाइट पे कैसे कोई है नहीं, जैसे लोग सर्च करते हैं www.google.com, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको डालना है, www नहीं लगाना है। जैसे कि मेरा YouTube चैनल का जो नाम है वो है टेक्निकल मो, तो सिंपल सा टेक्निकल डालेंगे, मो डालते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। देखिए टेक्निकल मो, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल, ये अवेलेबल नहीं है, तो हम कुछ नंबर डाल देते हैं। तो देखिए आता है कि नहीं, देखिए दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ अवेलेबल, ये ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल है। तो हम जब भी सर्च करेंगे www.technicalmo88.blogspot.com, ये कैसे रिमूव करना है इसके लिए आपको डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा, हम ये आगे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे सेव पे सिंपल सा क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ प्रोसेसिंग हो रहा था, तो देखिए हमारा फाइनली वेबसाइट क्रिएट हो चुका है। तो चलिए अब हम अपना व्यू ब्लॉक करके आपको दिखलाते हैं। देखिए यहाँ व्यू ब्लॉक पे सिंपल सा क्लिक करेंगे। जैसे हम व्यू ब्लॉक पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे एजुकेशनल करके आ गया, ये सिंपल टेम्पलेट है। देखिए अभी हमारा कोई चीज़ यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, जैसे कोई पोस्ट वगैरह नहीं शो हो रहा है, अगर हम पोस्ट लिखेंगे तभी यहाँ पे शो होगा। तो चलिए एक एक चीज़ आपको बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप कोई भी टेम्पलेट लगा सकते हैं, कोई दूसरा थीम यहाँ पे इसका थीम वगैरह सारे चीज़ें जो है चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम एक थीम एक्सटर्नल, पहले इसका इंटरनल थीम आप लोगों को दिखला दें। सिंपल से इस पोस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ थीम पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखिए ब्लॉग स्पॉट की तरफ से कुछ थीम आपको प्रोवाइड किया जाता है फ्री में। यहाँ से आप कोई भी थीम अपने ब्लॉगर की वेबसाइट के लिए अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी एक्सटर्नल डाउनलोड करके लगाएंगे, एक यहाँ से आपको लगा के पहले ब्लॉगर का थीम चेंज करके दिखला देते हैं। तो मान लीजिए हमको ये लगाना है, सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ अप्लाई पे सिंपल सा क्लिक कर देंगे। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ न्यू थीम अप्लाइड सक्सेसफुली हो चुका है। अब क्या करेंगे यहाँ एजुकेशनल पे आएंगे, यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखेंगे इसका जो इंटरफेस है इसका थीम वगैरह सारी चीज़ें चेंज हो चुका है। यहाँ पे सर्च ब्लॉग का ऑप्शन हो गया, यहाँ पे रिपोर्ट करके आ गया, यहाँ देयर इज नथिंग हेयर, एजुकेशनल पावर्ड बाई
ब्लॉगर यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलिए अब हम एक आपको थीम डाउनलोड करके दिलाते हैं, सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे। देखिए हम यहाँ पे एक थीम सर्च करके रखे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। इस वेबसाइट से आप कोई भी थीम उठा सकते हैं, कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए हम ये थीम चूज किए हैं, देखिए यहाँ पे सारा चीज़ें दिया रहेगा, फीचर वगैरह जो भी चीज़ें सब सारे चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, हम फुली कस्टमाइज़ करने को भी बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे लाइव प्रीव्यू आपको दिखला दें कैसा दिखेगा आपका थीम। देखिए ये थीम लाइव में कुछ ऐसे दिखेगा। देखिए यहाँ पे अपना एडसेंस का कोई भी एड्स लगा सकते हैं। देखिए यहाँ फीचर पे देख सकते हैं, मेगा मेनू दिया है, डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें आप कस्टमाइज करके अपने अनुसार लगा सकते हैं। आप वीडियो बने रहिए, देखिए यहाँ ट्रैकर हैं तो यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन, न्यूज, नोटिस कुछ भी दे सकते हैं। जब भी आप लेटेस्ट पोस्ट करेंगे वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे देखिए आप साइड बार में सोशल लिंक शो होगा। अब जो भी पोस्ट करेंगे, देखिए ये पोस्ट जैसे किए हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस पोस्ट के बारे में आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये आर्टिकल पूरा लिखा गया है तो आप इस आर्टिकल के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये थीम हम लगाने वाले हैं, आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका ये जो टेम्पलेट है इस वेबसाइट के द्वारा बनाया गया है तो उसका सारी चीज़ें यहाँ पे दिया है। इसे आप फुली कस्टमाइज का फूटर क्रेडिट वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमें ये नेक्स्ट वीडियो में फूटर क्रेडिट कैसे रिमूव करेंगे हम बताएंगे, क्योंकि आप इसको छेड़खानी करेंगे तो आपका जो थीम होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, एक तरह से वो बेकार हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे कैसे चेंज करना है, एक टेक्निक होता है चेंज करने का। ठीक है, तो चलिए हम इसे डाउनलोड करते हैं, यहाँ से कैंसिल करते हैं, यहाँ से इसको फ्री में डाउनलोड करते हैं, क्योंकि जब बाई करेंगे तब आप इसको फूटर क्रेडिट वगैरह सारी चीज़ें अपने तरीके से रिमूव कर सकते हैं, बाकी हम जुगाड़ बताएंगे कैसे रिमूव करना। देखिए यहाँ अल्ट्रा लाइट ये डाउनलोड हो चुका, सिंपल सा इसे ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे अल्ट्रा लाइट फ्री वर्जन, सिंपल सा इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे। देखिए ओपन हो गया, इस पर क्लिक करें, कंट्रोल प्लस एसएन हम इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ से करते हैं मिनिमाइज और चलते हैं अपने ब्लॉगर में। देखिए यहाँ ब्लॉगर में आएंगे, यहाँ देखिए यहाँ थीम पे आपको क्लिक करना है। उसका देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये जो एरो नीचे की तरफ दिख रहा है सिंपल सा इस पर क्लिक करना है, एडिट HTML सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए ये थीम है इसका HTML ओपन हो गया, सिंपल सा इस पर क्लिक यहाँ एक बार क्लिक कर देना है कहीं पे भी, उसके कंट्रोल प्लस ए से इसको सेलेक्ट करना है, अपने कीबोर्ड का डिलीट बटन दबाइएगा डिलीट हो जाएगा, उसके कंट्रोल प्लस वी से इसको पेस्ट कर दीजिएगा जो अभी ये वाला कोड आप कॉपी किए हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ प्रोसेसिंग दिखा रहा है, अभी ये प्रोसेसिंग में है, इसको फाइनली सक्सेसफुली सेव हो जाने दीजिए। तो हम बाकी सारी चीज़ें कस्टमाइज करने को आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। अब चलते हैं अपने एजुकेशनल में, उसके बाद क्या करते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे देखिए आप ये जो ब्लॉगर की हम वेबसाइट क्रिएट किए कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पे शो होने लगा। देखिए यहाँ पे नो पोस्ट फाउंड, अभी हम कोई पोस्ट नहीं किए हैं इसलिए यहाँ पे नो पोस्ट फाउंड दिखला रहे हैं। स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे देखिए नो पोस्ट फाउंड, यहाँ पे भी कोई पोस्ट नहीं इसलिए यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिव, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे एड्स लगा सकते हैं, यहाँ पे भी एक एड्स लगा सकते हैं, सोशल प्लगइन दिया है, यहाँ पे एड स्पेस दिया गया, यहाँ पे भी आप अपना एड्स लगा सकते हैं। जो भी आप रिसेंट पोस्ट करेंगे यहाँ पे पोस्ट शो होगा। तो चलिए हम कोई अब पोस्ट लिख लेते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें कस्टमाइज करने को आपको बताते हैं। तो सिंपल सा हम चलेंगे अपने ब्लॉगर यहाँ पे आएंगे, यहाँ से इसको यहाँ से बैक करते हैं, उसके बाद यहाँ पोस्ट पे आपको आना है, या न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए जो भी ये टूल्स हैं हम एक एक करके बताएंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम एक सिंपल तरीके से आप लोगों को पोस्ट लिखना और उसको पोस्ट कैसे करना है, पब्लिश कैसे करना है, यही चीज़ें आप लोग को बता रहे हैं। तो सिंपल सा इसे हम ऑलरेडी लिख के रखे हैं तो इसको हम डायरेक्ट कॉपी कर लेंगे। देखिए डिजी लॉकर ऐप्स और वेबसाइट क्या है, सिंपल सा इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है तो इस पर हम कॉपी इसको करेंगे। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे देखिए लाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे पेस्ट करेंगे देखिए यहाँ पे ये आ चुका है तो हम इसको बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन हम जस्टिफाइड पे सिंपल सा क्लिक कर देते हैं, ये जस्टिफाइड पे क्लिक नहीं हो रहा अभी, क्लिक हुआ ठीक है। उसके देखिए यहाँ पैराग्राफ इस पर क्लिक करना है तो इसको हम मेजर हेडिंग रखेंगे। तो देखिए इसको मेजर हेडिंग रख लिए, हेडिंग का साइज जो है वो क्या रखना चाहते हैं, देखिए लार्जेस्ट, मीडियम, नॉर्मल, स्मॉल, स्मॉलेस्ट, तो हम सिंपल सा मीडियम करते हैं, मीडियम थोड़ा अच्छा लगेगा ठीक है। उसके बाद अगर आप इसका जैसे रेड कलर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं इस टेक्स्ट का, सिंपल इस पे आप क्लिक करिए, जो कलर रखना चाहते हैं वो कलर रख सकते हैं। जैसे हम ये कलर ले लिए ठीक है, उसके नीचे क्या करेंगे इंटर दबाएंगे ठीक है। एक बार इंटर दबाएंगे, आज दोबारा से आएंगे यहाँ पे, अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, मान लीजिए हम इतना कॉपी कर लिए, उस कंट्रोल प्लस से इसको कॉपी करते हैं, उसके बाद लाके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। देखिए हमें यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें कट रही हैं ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कट रही हैं, इसको हम करेंगे ऑल सेलेक्ट
ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए बेहतरीन तरीके से ना एडजस्ट हो गया, ठीक है, अब नहीं कट रहा है, आप देख सकते हैं। उसके देखिए यहाँ पे आपको टाइटल क्या रखना है, तो हमें यही सिंपल सा टाइटल रख देते हैं, डिजी लॉकर ऐप और वेबसाइट क्या है, आपका जो टाइटल हो जिस टॉपिक पर आप पोस्ट लिख रहे हैं वो पोस्ट का टाइटल आपको रखना है। सिंपल सा इसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप कोई इमेज डालना चाहते हैं कहीं पे भी, तो इसको हम जैसे हम इंटर कर दे रहे हैं, हम इमेज पहले फर्स्ट इमेज हम लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको क्लिक करना है इस पर, अपलोड पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ लोडिंग हो रहा है, जहाँ पे भी आपका इमेज हो वहाँ से इमेज आपको चूज करना, सिंपल सा चूज फाइल पर क्लिक करना है। मान लीजिए हम यही इमेज अभी कोई भी लगा लेते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध का लगा लेते हैं, इस पर देखिए सिंपल सा क्लिक करेंगे, यहाँ ओपन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ओपन पर क्लिक कर देखिए लोडिंग हो रहा है, अब आपको क्या करना है, इसको इस पर सेलेक्ट करना है, यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक कर देना। देखिए यहाँ पर फोटो लग चुका है, तो अब इसको हम यहाँ थोड़ा ऊपर कर लेते हैं अपना टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये फोटो लग चुका है, अब इस फोटो का साइज छोटा बड़ा करने के इस पर क्लिक करिए, यहाँ से सेटिंग का ऑप्शन है, क्या रखना चाहते हैं, स्मॉल मीडियम लार्जेस्ट एक्स लार्जेस्ट ओरिजिनल जो रखना चाहें वो रख सकते हैं, अपडेट कर देंगे हम लार्जेस्ट पर क्लिक करके, ठीक है। तो ये तो मान लीजिए इस तरीके से आप लोगों को पोस्ट लिखना है, यहाँ पे आप इसका सारी फॉन्ट वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये फॉन्ट वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट करके आप यहाँ फॉन्ट वगैरह सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, एक स्टेप पीछे जाने के लिए इस पर क्लिक करना है, अंडू हो जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो रेडू एक स्टेप आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो अब चलिए हम आपको यहाँ लेबल, देखिए लेबल क्या है, जैसे कि हम जीके का कोई क्वेश्चन मान लीजिए लिख रहे हैं, जीके का ये गवर्नमेंट का है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जीओवीएम क्यों लिख दे रहे हैं, गवर्नमेंट का है तो ये गवर्नमेंट का सर्विस है, तो सिंपल से गवर्नमेंट यहाँ पर एक लेबल क्रिएट कर लीजिए। लेबल क्या होता है अभी हम बताते हैं आप लोगों, इस पर गवर्नमेंट हम जीओवी केवल लिख दिए, उसके बाद ये पोस्ट तो हम लिखे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ सिंपल सा प्रीव्यू पर क्लिक करके आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कैसा दिखेगा। सिंपल सा देखिए, जैसे प्रीव्यू पर क्लिक किए, देखिए यहाँ पर प्रीव्यू में ऐसे कुछ इस टाइप का दिखेगा, यहाँ पर लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ से यहाँ पर पैरा, यहाँ देखिए पैरा लिंक करके है, उसके बाद यहाँ पर कस्टम पैरा में लिंक करके, तो ये आप कर सकते हैं। बाकी इस पे हम एक पर्टिकुलर पोस्ट लिखने वीडियो बनाएंगे, अभी हम सिंपली आप लोगों को बता रहे हैं कैसे पोस्ट लिखना है। अब क्या करेंगे, आप पब्लिश पे सिंपल सा क्लिक कर देंगे, उसका कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे कंफर्म पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे डिजी लॉकर ऐप और वेबसाइट क्या है, ये देखिए हम हेडिंग दिए थे, हेडिंग यहाँ पे सो रहा है, यहाँ जीओबी गवर्नमेंट लेवल का है, तो सिंपल सा ये हमारा पोस्ट पब्लिश हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपने वेबसाइट में आते हैं, इसको करते हैं यहाँ से रिफ्रेश। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे एक पोस्ट यहाँ पे आ चुका है, कौन सा पोस्ट है देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक ये मेनू है, मेगा मेनू करके, अभी हम इसको बताएंगे, इसको आप रिमूव कर सकते हैं, केवल इसी को शो करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिजी लॉकर ऐप और वेबसाइट क्या, सिंपल सा ये हमारा हम आर्टिकल लिखें, सिंपल सा इस पर क्लिक करके ये आर्टिकल कोई पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। एक स्टेप इसको बैक चलते हैं, चलिए हमें एक आध पोस्ट और इसी पर लिख के बताते हैं दूसरा पोस्ट। यहाँ पोस्ट पर आते हैं, न्यू पोस्ट पर क्लिक करते हैं, देखिए न्यू पोस्ट पे क्रिएट पोस्ट पे क्लिक किए, उसके बाद देखिए यहाँ पे पोस्ट जो भी लिखना है इसी के आगे का हम बाकी कॉपी कर लेते हैं ऐसे ही। मान लीजिए हम ये कॉपी कर लिए, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करते हैं, आते हैं अपने पोस्ट में, यहाँ पेस्ट करते हैं। ये भी यहाँ पे एक कितना सुरक्षित है डिजी लॉकर, ये हम यहाँ से कॉपी करके इसका टाइटल दे देते हैं, यहाँ पे टाइटल दे दिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये भी कट हो रहा है, तो सिंपल सा इस पर क्लिक इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ थ्री डॉट पे आएंगे, यहाँ से इनको क्लिक कर कट मतलब उस पर क्लिक कर देंगे, इस वाले ऑप्शन पे जो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग, सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे तो ये अपने शेप में आ जाएगा जो भी चीज़ इधर उधर इसका टेक्स्ट वगैरह है, सिंपल सा इसको। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ लेबल क्या होता है आप लोग को बता दें, जैसे कि यहाँ पे जीओवी करके है ना, तो यहाँ जीओवी हम इसी लेबल पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो जीओवी अभी हम आप लोगों को लेबल दिखलाते हैं क्या चीज़ें होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए सिंपल सा पब्लिश पे क्लिक करते हैं, उसका कंफर्म करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे दो पोस्ट हमने कर दिया है। आते हैं अपने एजुकेशन वेबसाइट में, इसको करते हैं रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देखेंगे दो आर्टिकल हमारा आ चुका है, इसमें कोई फोटो वगैरह नहीं लगाए इसलिए यहाँ पे फोटो नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ब्लॉगर पे आते हैं, अब आप लोगों को बताते हैं लेवल क्या होता है। सिंपल सा देखिए यहाँ लेआउट पे क्लिक करते हैं, लेआउट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए जो भी कुछ चीज़ें आपको यहाँ से रिमूव कर देना, जैसे कि यहाँ पे सोशल लिंक सोशल प्लगिंग करके है तो आप इसको रहने दीजिए, यहाँ पे अपना सोशल लिंक वगैरह दे सकते हैं, ऐड स्पेस भी रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए पॉपुलर पोस्ट अगर आप शो कराना चाहते हैं शो कराइए, नहीं तो यहाँ देखिए सब्सक्राइबर अस लेवल, देखिए यहाँ पे लेवल आपको दिख रहा है, यहाँ पे लेवल कोई नहीं दिखा रहा है, तो सिंपल सा जो अभी हम जीओवी करके लेवल बनाए ये यहाँ पे शो होगा। चलिए हम कुछ चीज़ें यहाँ से रिमूव करते हैं, यहाँ पे हम आते हैं मोबाइल लोगो हेडर एड्स, जो हेडर एड्स है ये वाला एड्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एड्स हेडर एड्स है,
तो यहाँ हम नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, यहाँ देखिए हॉट पोस्ट, हॉट पोस्ट यही है ये जो शो हो रहा है बड़ा सा, तो इसको हम कहेंगे कि आप रिमूव कर दीजिए, इसको रिमूव करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ रिमूव का ऑप्शन, सिंपल सा रिमूव पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ से रिमूव हो चुका है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं एक बार यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे देखिए जो हॉट पोस्ट था वो रिमूव हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ इसका पॉपुलर पोस्ट वगैरह इसको हम रिमूव करेंगे, इस पर लेआउट पर आएंगे, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, देखिए यहाँ पे साइड साइड बार राइट करके है तो यहाँ पे कोई गजट नहीं, यहाँ पे देखिए सोशल प्लगिंग पे क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे अपने वेबसाइट में पहले आते हैं आपको दिखलाते हैं, ये जो सोशल प्लगिंग फेसबुक ट्विटर ये इंस्टाग्राम वगैरह है, यहाँ पे अपना लिंक दे सकते हैं। लिंक देने के लिए क्या करेंगे, इस लेआउट में आएंगे, यहाँ देखिए साइड बार में यहाँ पे सिंपल सा इस पर आपको क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पे, और इसको हम ऊपर लाते हैं, देखिए यहाँ फेसबुक है, सिंपल सा एडिट पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना लिंक दे दीजिए, इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, जो आपके फेसबुक का लिंक हो वो यहाँ पे दे दीजिए। तो अभी हम कोई नहीं देंगे, यहाँ हैच लगा देंगे, कोई हम लिंक नहीं देने वाले हैं। उसका देखिए यहाँ ट्विटर का है तो इस पर एडिट पर क्लिक करके यहाँ पे ट्विटर का लिंक दे सकते हैं, उसका सेव पे क्लिक कर देना। अगर आप इसमें से कोई जैसे कि सोशल लिंक का जो लोगो वगैरह है कोई डिलीट करना चाहते हैं जो आपके पास नहीं है, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ सोशल पे आइए, सिंपल से एडिट पे, उसके बाद देखिए यहाँ से डिलीट कर दीजिए, यहाँ से डिलीट के ऑप्शन पे इंस्टाग्राम रहने देंगे, यूट्यूब भी रहने देंगे, आर एस एस करके इसको हम डिलीट कर देंगे, उसके क्या करेंगे सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे ये सेव हो जाएगा, हम आपको रिफ्रेश करके दिखलाते हैं, देखिए हम रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे चार सोशल लिंक देने के लिए सोशल लोगों का बचा है, जैसे फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब, इन चारों में अपना लिंक अपने फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह का दे सकते हैं। जैसे आप देंगे अपना लिंक दे देंगे तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप अपने फेसबुक पेज या जो भी चीज़ होगा वहाँ पे आप पहुँच जाएगा जो भी आपका व्यूअर होगा, ठीक है। तो चलिए हम ब्लॉगर पे चलते हैं, फिर से नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, देखिए साइड बार राइट वी करके है, यहाँ ऐड स्पेस क्या है ये वाला ऐड स्पेस करके है, उसका लेआउट में आते हैं, देखिए यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट है, पॉपुलर पोस्ट हम रिमूव करेंगे, देखिए इस पर क्लिक करेंगे, देखिए जितना सिंपल रहता है उतना जल्दी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है, सिंपल से रिमूव पे क्लिक करेंगे, यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से ये रिमूव हो चुका है पॉपुलर पोस्ट। चलिए हम रिफ्रेश करके आपको दिखलाते हैं, जैसे हम रिफ्रेश करेंगे देखिए रिफ्रेश हो रहा है, देखिए यहाँ से पॉपुलर पोस्ट रिमूव हो चुका है। यहाँ देखिए सब्सक्राइब अस, तो ये जहाँ से हम ब्लॉग जिस साइट से ये टेम्पलेट हम डाउनलोड किए हैं उसका यहाँ पे शो हो रहा है, सिंपल सा इसको हम रिमूव करेंगे, यहाँ लेआउट में आएंगे, देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब अस करके सिंपल सा इस पर एडिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से रिमूव पे क्लिक करके ओके पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, रिमूव हो जाएगा। चलिए हम अपने वेबसाइट में चलते हैं, आपको दिखाएं, यहाँ रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ से ये चीज़ें हट गया है। उसके देखिए यहाँ पे लेबल उसके बाद यहाँ पे टेक्नोलॉजी दिखला रहा है, सिंपल टेक्नोलॉजी के ऑप्शन को भी हम रिमूव करेंगे, सिंपल सा यहाँ टेक्नोलॉजी पे आते हैं, ये यहाँ ब्लॉगर लेआउट में आते हैं, नीचे देखिए टेक्नोलॉजी का है, सिंपल सा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसका क्या करना है रिमूव पे क्लिक करना है, उसका ओके पे क्लिक कर देना है, तो वो चीज़ें हट गया है। यहाँ पे आते हैं अपने एजुकेशन वेबसाइट में, सिंपल सा इसको रिफ्रेश करते हैं, जैसे हम रिफ्रेश करेंगे देखिए यहाँ से वो चीज़ें हट गई हैं। यहाँ पे देखिए बहुत आप एक तरह से हम कहें तो सारी चीज़ें सिंपल तरीके से आप लोग क्रिएट करिए, ठीक है। यहाँ होम अबाउट कॉन्टैक्ट ये सारी चीज़ें कैसे आपको लिखना है हम इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं ये सारी चीज़ें आपको एडिट कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए लेवल वाला पहले आपको ऑप्शन बता दें, क्योंकि एक लेवल में जैसे हम एक लेवल क्रिएट करें GOV करके आते हैं लेआउट में, यहाँ लेवल पर क्लिक करते हैं, यहाँ एडिट पर, उसके देखिए यहाँ पर लेवल यहाँ एडिट पर आप क्लिक करिए, उसका लेवल पे यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सभी लेवल आप शो कराना चाहते हैं जितने लेवल हैं, यहाँ पे आल पे क्लिक करिए, यहाँ सेव पिन, यहाँ लिस्ट में कैसे आप शो कराना चाहते हैं, यहाँ सॉर्टिंग क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या शो होने के, जैसे कि ए पहले एक से जितने होंगे लेवल वो आएंगे, उसके बाद बी से आएंगे, तो जैसे आप रखना चाहते हैं वैसे रख सकते हैं, उसका सेव पिन क्लिक कर देना है। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आते हैं एजुकेशनल में, उसका करते हैं रिफ्रेश, जैसे हम रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे GOV करके आ गया, यहाँ पे देखिए दो पोस्ट है, तो ये GOV हम ये जो लेवल क्रिएट किए हैं इस लेवल में जितने हम पोस्ट किए होंगे, तो इस पर सिंपल सा कोई भी व्यूअर आएगा इस हमारे वेबसाइट पर विजिट कर उस पर क्लिक करेगा GOV वाले पे, तो सिंपल सा वो सारे पोस्ट जितने हैं यहाँ पे शो होने लगेंगे। देखिए ये दो पोस्ट हम किए हैं, अगर यही किसी और लेवल में रहता नहीं शो होता। जैसे हम चलिए एक ऐसे टेम्परेरी आपको क्रिएट करके देखें, न्यू पोस्ट पर आएंगे, देखिए यहाँ न्यू पोस्ट पे क्लिक किए, उसका देखिए यहाँ पे XYZ कुछ भी ऐसे टाइटल दे रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ भी ऐसे टाइप कर दे रहे हैं, देखिए ऐसे हम कुछ भी टाइप कर दे रहे हैं, ठीक है। उसका देखिए यहाँ लेबल पे हम मार दीजिए, यहाँ लेबल लिख दिए कोई टेक लिख दे रहे हैं, यहाँ टेक लिख दिए, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ टेक का लेबल क्रिएट होगा, उसका क्या करेंगे पब्लिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे।
जैसे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे तीन पोस्ट शो होने लगा। एजुकेशनल पे आएंगे यहाँ रिफ्रेश करेंगे, यहाँ रिफ्रेश करते हैं देखते हैं यहाँ पे देखिए दो लेवल आ गए हैं। यहाँ पे देखिए टेक का जितना हम एक जैसे कि जीओवी करके हमने लेवल क्रिएट की थी उसके बाद टेक का क्रिएट किया, टेक में केवल एक पोस्ट किए हैं, जीओवी में हम दो पोस्ट किए हैं। टेक पर क्लिक करेंगे तो एक ही पोस्ट आएगा, अभी जितने पोस्ट किए रहेंगे टेक पर वो आएगा। देखिए यहाँ पे एक ही आया है, इसको टेक पर क्लिक करके टेक का सारी चीज़ें ये लोग पढ़ सकते हैं। इसको हम कैंसिल यहाँ से करते हैं। उसके बाद ब्लॉगर में आते हैं, आप लोग को ये चीज़ें आपको एडिट करना हम बता देते हैं। देखिए ब्लॉगर में आएंगे उसका देखिए यहाँ लेआउट में आएंगे, लेआउट में आने के बाद देखिए यहाँ पिन आपको टॉप नेविगेशन करके होगा। टॉप नेविगेशन क्या है, यहाँ देखिए होम अबाउट कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ ब्लॉगर में आते हैं, यहाँ पे देखिए हम टॉप नेविगेशन पे आते हैं, इस पर एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए जो भी लिंक है होम का वो ये होम का तो यही रहने दीजिए, ये जो फॉरवर्ड स्लैश है इसको रहने दीजिए, यहाँ सेव पे क्लिक कर दीजिए। अबाउट अबाउट में जो भी आप पेज क्रिएट किए होंगे एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसका लिंक दे देंगे। तो यहाँ पे ये जहाँ से हम टेम्पलेट डाउनलोड किया वहाँ का लिंक दिया, सिंपल से यहाँ पे हैच हम लगा देते हैं, बाद में हम जब कोई अबाउट का हम जो पेज क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे हम दे देंगे, यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे। उसे देखिए कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में भी जहाँ से हम टेम्पलेट क्रिएट डाउनलोड किया वहाँ का लिंक दिया है उस साइट का, सिंपल सा यहाँ पे भी हैच लगा दें। जब हम सारी चीज़ें कॉन्टैक्ट वगैरह लिखेंगे तो आप लोग को बताएंगे। देखिए अगर इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि अबाउट है तो यहाँ कुछ और लिखना चाहते हैं तो यहाँ कुछ और लिख सकते हैं, उसके यहाँ सेव पे क्लियर। मान लीजिए इसमें कोई एकाक लिंक और जोड़ना है तो सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू साइट नेम, कोई साइट नेम और जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं साइट मैप, साइट मैप लिख दिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो लिंक है वो दीजिए, उसको ऐड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसको कहाँ पे शो कराना चाहते हैं, होम के बाद, जैसे कि यहाँ पे देखिए पहले होम है अबाउट है कंटेक्ट, तो मान लीजिए हम यहाँ अबाउट के बाद इसको शो कराना चाहते हैं साइट मैप, तो सिंपल सा यहाँ पे आते हैं अपने पे, यहाँ देखिए यहाँ इसको यहाँ से ये जो नीचे तीर का निशान बना है इस पर क्लिक करेंगे, एक बार और क्लिक करेंगे, देखिए पहले होम से होगा, अबाउट से होगा, साइट मैप, कंटेक्ट, सिंपल सा सेव पे क्लिक कर देंगे। अब चलिए हम अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे तीन चार आ जाएंगे, अभी तीन है, देखिए यहाँ पे साइड मैप ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग को इसको एडिट करना। उसका चलिए लेआउट में चलते हैं, उसका देखिए यहाँ पे न्यूज ट्रैकर, यहाँ पे देखिए तीन हम पोस्ट किए हैं, जो लेटेस्ट पोस्ट किए होंगे पाँच लगभग शो होगा, अभी हम आपको दिखलाते हैं, वो नंबर आप बढ़ा सकते हैं कितने पोस्ट यहाँ पे शो हो। यहाँ ट्रैकर दिया है तो लेटेस्ट न्यूज, अगर न्यूज का आपका है तो न्यूज लिख सकते हैं, या कोई और चीज़ है तो नोटिस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए ब्लॉगर लेआउट में आते हैं, देखिए ट्रैकर है सिंपल सर, इस पर क्लिक करेंगे एडिट पे, यहाँ पे देखिए जैसे ट्रैकर दिया है तो हम लिख देते हैं नोटिस, सिंपल सा यहाँ पे हम लिख देते हैं नोटिस, देखिए नोटिस लिख दिए हैं। उसके देखिए यहाँ जो सिक्स दिख रहा है, जैसे कि छः पोस्ट केवल शो होगा रिसेंट में, तत्काल में जितने पोस्ट किए होंगे लास्ट सेन छः पोस्ट केवल शो होगा रिसेंट का, ठीक है। तो अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं, दो ही करना चाहते हैं, सिंपल सा दो कर दीजिए, पाँच करना चाहते हैं पाँच कर दीजिए, हम यही कहेंगे आप पाँच रखने दीजिए, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसका क्या करना है, सेव पिन क्लिक कर देना है। देखिए नोटिस लिख दिए, यहाँ पे आते हैं अपनी वेबसाइट पे, इसको करते हैं रिफ्रेश, देखिए ट्रैकर लिखा है, सिंपल सा देखिए यहाँ पे नोटिस आ गया, नोटिस आ गया, उसके बाद जो भी पांच पोस्ट शो होगा रिसेंट का, इस पे क्लिक करेंगे तो आप होम पे चले जाएंगे, देखिए हम होम पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस शो होने लगा। अब चलिए हम बताते हैं इसको आपको कैसे एडिट करना, सिंपल सा ब्लॉगर लेआउट में आएंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप नेविगेशन या सोशल टॉप, यहाँ सोशल टॉप क्या है इसको हम आप लोग को बता दें, यहाँ एजुकेशन में यहाँ पे देखिए फेसबुक, ट्विटर, उसके बाद इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट का ये चार ऑप्शन दिया गया है, चार का आप लिंक यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी और भी आप ऐड करना चाहते थे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिंपल सा ब्लॉगर लेआउट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, जिसका आप लिंक देना चाहते हैं, जैसे फेसबुक, फेसबुक का नाम बदलना भी चाहते थे यहाँ एडिट पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप फेसबुक का नाम कुछ और रख सकते हैं, लेकिन अगर आप फेसबुक के अलावा और इसमें कोई शब्द चाहे लेटर ऐड करते हैं तो वो जो यहाँ पे ये लोगो बना है फेसबुक का ये हट जाएगा, हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस नाम को नहीं छेड़ना है, ठीक है, जो फेसबुक लिखा है, बस यहाँ पे आपको अपने फेसबुक का लिंक दे देना है। उसका क्या करना, लिंक देने के बाद आपको सेव पिन क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे हम लिंक नहीं दिए तो यहाँ से वो हट चुका है, तो अब दोबारा से आपको ऐड करने के लिए फेसबुक का सिंपल सा यहाँ फेसबुक लिखिएगा, स्मॉल में लिखिएगा तभी आएगा उसका लोगो, उसका ऐड पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। उसे देखिए यहाँ पे ट्विटर का आप यहाँ पे लिंक एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे ट्विटर का दे सकते हैं, यहाँ पे आप अपना लिंक अपने सोशल लिंक आप जो भी सोशल नेटवर्क पे आप हों, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, उसका लिंक यहाँ पे आप देखिए सेव पिन क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी व्यूअर आपका आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा, सिंपल सा उस पर इस पर क्लिक करेगा तो आपके फेसबुक पेज पे पहुँच जाएगा, इस पर ट्विटर पे क्लिक करेगा तो इस आपके ट्विटर की वेबसाइट पे पहुँच जाएगा, ठीक है। अब नंबर आता है कि इसको आपको कैसे एडिट, जैसे कि ये लोगो है यहाँ पे यू लाइट करके दिया है, सिंपल सा इसको रिमूव करने के लिए ब्लॉगर में आएंगे, यहाँ पे देखिए आपको
तीन ऑप्शन मिलेंगे। देखिए हेडर लोगो, ठीक है, उसका मोबाइल लोगो, आपको मोबाइल में भी लोगो चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद हेडर लोगो, जो आपकी कंप्यूटर में अपनी वेबसाइट खोलेंगे तो उसका ये लोगो है, ठीक है। अगर आप मोबाइल में जब खोलते हैं तो उसका भी लोगो आपको चेंज करना होगा, जो भी आप अपना लोगो बना के रखे हो वो यहाँ पे ऐड कर लीजिए। जैसे एजुकेशनल, यहाँ पे हम एडिट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, उसका चूज फाइल, जहाँ पे भी आपका लोगो है वहाँ से आप अपना लोगो सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम जहाँ पे भी लोगो रखे रहेंगे वहाँ सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि ऑल नॉलेज भी हमारी दूसरी वेबसाइट का है, तो इसको हम सेलेक्ट करके आपको लगा के बताते हैं। ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये सेव हो रहा है, तो देखिए ये ऑल नॉलेज सेव हो चुका है, उसका सेव पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। चलिए अब आपको रिफ्रेश करके अपने वेबसाइट दिखलाते हैं, देखिए इस पर हम क्लिक किए, रिफ्रेश जैसे हम करेंगे देखिए यहाँ पे ऑल नॉलेज करके आ गया है, ठीक है। यही सेम चीज़ें आपको अपना लोगो मोबाइल के लिए भी लाना, एडिट पे क्लिक करना है, देखिए यहाँ पे यू आपके मोबाइल में केवल यू शो होगा, तो इसको यहाँ से करिए रिमूव, यहाँ चूज पे क्लिक करिए आपका, जहाँ पे इसी को हम यहाँ पे ओपन करते हैं, इसी को रख सकते हैं। उसका लिंक टाइटल क्या देना चाहते हैं, मोबाइल लोगो सेटिंग जो भी देना चाहते हैं, उसका सेव पे क्लिक कर देना, तो जब मोबाइल में खोलेंगे तब भी यही लोगो शो होगा मोबाइल में भी, ठीक है। अब नंबर आता है इस इन सबको एडिट करने का, तो सिंपल सा ब्लॉगर में चलते हैं, यहाँ पे देखिए मेन मेनू, ठीक है, यहाँ ड्रॉप डाउन मल्टी डाउन, यहाँ पे सारा मेगा वगैरह चीज़ें दिया है, एडिट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से देखिए कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिलीट पहले करते हैं, एक एक चीज़ें हम आपको डिलीट करके बताते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम जैसे कि जीके का क्वेश्चन हमको जीके यहाँ पे डालते हैं, उसके बाद उसका लिंक यहाँ पे देंगे, पोस्ट का जैसे कि यहाँ पे अब हम आपको दिखला दें, यहाँ पे गवर्नमेंट का GOV करके हम डाल देते हैं, GOV करके डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे तो इसको हम नीचे करते हैं, होम पहले दिन रहने देंगे, होम आइकन जो है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एक GK का लगाते हैं, GK, उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लिंक दे सकते हैं, इसको ऐड पे क्लिक करते हैं, ये तीन चीज़ें हम पहले लगा के आपको दिखलाते हैं। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट का हम कुछ पोस्ट किए हैं, जैसे कि ये हम पोस्ट किए हैं, ये इसका हम लिंक देंगे लेवल का, सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे लेवल का, यहाँ से आपको क्या करना है, अपना कॉपी करना है ये लिंक, लिंक कॉपी करने के बाद आना है यहाँ पे अपने, यहाँ पे देखिए GOV करके हम जो दिए हैं, सिंपल सा यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट कर देंगे, उसका सेव पे क्लिक कर देंगे। उसका GK का भी हम कोई पोस्ट लिखे नहीं है, तो सिंपल सा सेव पे क्लिक करते हैं, आपको दिखलाते हैं। देखिए हमारी वेबसाइट है, यहाँ रिफ्रेश करेंगे आप देखेंगे सारी चीज़ें ऑप्शन हट गए हैं, देखिए यहाँ पे GOV करके GK करके दो ऑप्शन आ रहा है। उसका देखिए जैसे कि GOV पे हम क्लिक करेंगे, सिंपल सा इस पे देखिए जैसे क्लिक किए, दो पोस्ट जितने पोस्ट इस लेवल में किए होंगे वो लेवल सारा उस लेवल का यहाँ पे शो होने लगेगा। चलिए एक चीज़ और आप लोग को बताते हैं, यहाँ पे देखिए करंट अफेयर हम एक क्रिएट करते हैं, देखिए यहाँ पे एक और ऐड करते हैं करंट अफेयर, देखिए करंट अफेयर ऐड किए, उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देंगे, यहाँ करंट अफेयर पे एडिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ हम लगा देंगे केवल हैच, ठीक है। हैच लगाने के बाद यहाँ सेव पे क्लिक करते हैं, इसको करते हैं नीचे, यहाँ पे और नीचे करते हैं, देखिए यहाँ करंट अफेयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक चीज़ हम डेली करंट अफेयर लिखते हैं और क्रिएट करते हैं, आप लोग को बताते हैं डेली करंट अफेयर, देखिए डेली करंट अफेयर, सिंपल सा ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं, एक चीज़ है यहाँ पे ये वाला सिंबल आपको लगा देना है डाउन वाला यहाँ पे, ठीक है, ये लगा लीजिएगा। अभी हम बताते हैं इसका फ़ायदा, सेव पे क्लिक किए, इसको नीचे लाते हैं और नीचे लाते हैं और नीचे लाते हैं, देखिए यहाँ करंट अफेयर के नीचे लाते हैं। उसका देखिए यहाँ पे एक और क्रिएट करते हैं मंथली, देखिए यहाँ पे हम एक क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे मंथली करंट अफेयर, यहाँ पे भी यही सिंबल लगाएंगे, आप लोग को बताते हैं सिंबल का फ़ायदा। ऐड पे क्लिक करेंगे, उसका नीचे आएंगे और नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे डेली के बाद मंथली हम लाएंगे, देखिए पहले डेली का उसका सेव पे क्लिक करते हैं, लिंक सेम तरीके से एडिट करके आप सेम तरीके से लिंक दे सकते हैं, सेव पे क्लिक करें, एजुकेशन में आते हैं, यहाँ हम इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ देखिए GOV उसका GK करंट अफेयर, करंट अफेयर पे देखिए कर्सर ला रहे हैं तो यहाँ पे उसके सब टाइटल दो शो हो रहे हैं, देखिए यहाँ डेली करंट अफेयर मंथली, तब जो लिंक दिए रहेंगे लेवल का वो यहाँ पे शो होने रहेगा। तो इसका फायदा यही है, इसको इसी तरीके से कस्टमाइज करना है। उसका नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, यहाँ पे देखिए यू लाइट करके है, यहाँ पे इसका कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, यहाँ पे इस साइट का जो सब मेनू यहाँ पे सोशल लिंक दिया है नीचे, उसके बाद यहाँ देखिए पॉपुलर पोस्ट, रिसेंट पोस्ट, यहाँ रैंडम पोस्ट, इसको भी हम कहेंगे कि रिमूव कर दिए, आप अपने हिसाब से रखना चाहते हैं रख सकते हैं। देखिए ब्लॉगर में आते हैं, रिमूव करने के नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे अबाउट एंड लोगो सेक्शन, यहाँ पे देखिए ये लोगो दिख रहा है अबाउट, इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, सिंपल सा ब्लॉगर में आना है, देखिए यहाँ एडिट पे क्लिक करना है, अगर आप रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं, लोगो अपना लगाइए, इस पर क्लिक करके यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कर लीजिए, जो लोगो लगाना चाहते हैं वो लोगो लगा लीजिए। उसके देखिए कैप्शन, जो चीज़ें यहाँ पे सेव करके हम आपको दिखला देते हैं, पहले सेव कर देते हैं,
सिप पे क्लिक, एजुकेशन में आएंगे, उसके बाद अपने वेबसाइट पे आए, उसका रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे ऑल नॉलेज करके आ गया। इसको आप यहाँ पे जो चीज़ें लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज आप रिमूव करना चाहते हैं रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपने ब्लॉगर में आते हैं लेआउट में, उसका देखिए यहाँ पे एडिट पे आएंगे, उसका यही चीज़ें सेम चीज़ें यहाँ पे लिखा है, देखिए यही चीज़ें यहाँ पे लिखा है, तो इसको आप रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हम रिमूव कर दिए उसका, इसको रिमूव करते हैं या सेव पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ कुछ कह रहा है प्लीज़ स्पेसिफाई एन इमेज, इमेज आपको चूज करना कंपलसरी है। देखिए आल पे क्लिक कर अपना जो नॉलेज हम ये जो लोगो बना कर रखे हैं आल नॉलेज, इसको हम सेलेक्ट किया, सेव पे क्लिक कर दिए। सेव पे क्लिक करने के बाद देखिए इसको हम रिफ्रेश करते हैं अपनी वेबसाइट को, देखिए यहाँ से नहीं हट जाएगा क्योंकि हम इसको डिलीट कर दें, देखिए यहाँ से हट गया। सोशल लिंक आपको देने के लिए सिंपल सा ब्लॉगर लेआउट में आते हैं, यहाँ पे देखिए सोशल लिंक फुटर सोशल लिंक तो है, यही ये वाला लिंक आपको प्रोवाइड करना, जो इसमें इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। सिंपल सा यहाँ ब्लॉगर लेआउट में आते हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, उसका देखिए हम कुछ चीज़ें यहाँ से डिलीट करेंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम रहने देंगे या लिंकड का भी, पिंटरेस्ट का, इसको हम सेव पे क्लिक करें, बाकी लिंक एडिट पर क्लिक करके सेम तरीके से यहाँ से रिफ्रेश करते हैं हम। देखिए यहाँ से चार सोशल लिंक का लोगो बचा है। ठीक है, उसके बाद इन सबको हम रिमूव करेंगे। देखिए यहाँ ब्लॉगर लेआउट में आते हैं, उसका देखिए यहाँ पे ये आपको यहाँ पे रैंडम पोस्ट इस पर एडिट पे क्लिक करना है, यहाँ से रिमूव पे क्लिक करना है, रिमूव पे क्लिक करेंगे, उसका देखिए यहाँ एड ए गजेट करके है, यहाँ रिसेंट पोस्ट इस पर क्लिक करते हैं, इसको भी हम यहाँ से रिमूव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन, इसको भी हम यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, रिमूव करते हैं, उसका क्या करेंगे अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। जैसे हम वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे, देखिए अब यहाँ से वो सारी चीज़ें हट गया है जो तमाम तरीके के इधर उधर के चीज़ें थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको हम बाद में एडिट करना बताएंगे। यहाँ देखिए नीचे फुटर क्रेडिट में भी यहाँ होम अबाउट कॉन्टैक्टर्स है, यहाँ पर भी लिंक देने के लिए सेम तरीका, लेआउट में ब्लॉगर अपने लेआउट में आएंगे, यहाँ देखिए मेनू फुटर एडिट करके है, सिंपल सा इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए एडिट पर क्लिक करेंगे, जो लिंक देना चाहते हैं जिसका वो लिंक यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए जहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड किया उसका लिंक यहाँ दिया है, हम यहाँ पे हैच केवल लगा देंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से इसी तरीके से आप लोग को लिंक देना है, यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा एजुकेशनल, हम यहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ होम पे हम आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ब्लॉगर की वेबसाइट क्रिएट भी हो चुकी है, लगभग लगभग सारी चीज़ें कस्टमाइज करने को भी आपको बता दिए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, एक 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 टॉपिक पे हम वीडियो बनाते चलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आप केवल यही बताएंगे कि आपको कैसे ये सारी चीज़ें आपको एडिट करना है। ठीक है, इसको कैसे चेंज करना है, आप चेंज करने के लिए तो यहाँ देखिए जैसे कि आप इसको कॉपी करेंगे यहाँ से यहाँ कंट्रोल प्लस सी से, उसके बाद ब्लॉगर लेआउट में आएंगे, यहाँ थीम में आएंगे, उसके बाद देखिए यहाँ थीम में आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ एडिट HTML पे क्लिक करेंगे, उसका देखिए यहाँ पे ये HTML कोड खुल जाएगा, इस पर यहाँ कहीं बीच में क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस F दबाएंगे और उसका कंट्रोल प्लस V दबाएंगे जो कॉपी किए, उसका इंटर दबाएंगे, देखिए ये विथ भी आ गया है, विथ है यहाँ कॉन्टैक्ट, ये कुछ और ज़्यादा कॉपी हो गया, इसको हम कट करते हैं, इसे बस यही चीज़ें यहाँ पे लिखा है, यही चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसका इंटर दबाएंगे, देखिए यही चीज़ें यहाँ से आप नाम चेंज वगैरह करेंगे तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये जो इनका टेम्पलेट है सारा कोड HTML कोड वगैरह सारी चीज़ें इधर उधर हो जाएगा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जहाँ टेम्पलेट है उसकी वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे, देखिए हम इसके वेबसाइट पर आ गए। ठीक है, तो ये चीज़ें कैसे चेंज करना है हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। आई होप अब आप लोग को अपना ब्लॉगर पे कैसे वेबसाइट क्रिएट करना है अब बनाने आ गया होगा। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग को इस वीडियो के बारे में पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई जानकारी के साथ, तब के लिए बाय बाय।